हेलो माय डियर वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप। माय नेम इज़ विजय मेहर एंड टुडे आई एम ब्रिंगिंग एन इम्पॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम जनरल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये वीडियो है नोवल कोरोना वायरस के ऊपर, और सभी लोगों ने काफ़ी बातें ऑलरेडी इसके ऊपर बोल दी हैं। एंड इट्स अ वेरी सीरियस इशू, यू नो, सीरियस इंसिडेंट दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज़ नो जस्ट ऑन द वर्ज, यू नो, क्योंकि दो तीन अभी केसेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। एंड बाकी हम बात करेंगे कि नोवेल, नोवेल मतलब होता है न्यू, तो ये एक नए तरह का कोरोना वायरस है। हालांकि कोरोना वायरस पहले भी काफ़ी सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ओके, तो ये है नोवेल कोरोना वायरस, न्यू कोरोना वायरस। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन एंड आंसर्स, यू नो, हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आप लोगों की जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग कोरोना वायरस, लेट्स अंडरस्टैंड, यू नो, वट इज अ वायरस। वायरस एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट होता है, इट्स एन इन्फेक्शियस एजेंट विच रेप्लीकेट्स ओनली इन साइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वायरस सबसे पहले क्या करता है, एक सेल को अफेक्ट करता है, एक सेल को अटैक करता है, और उसके बाद फिर रेप्लीकेशन स्टार्ट करता है, मतलब कि रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है इन साइड द टारगेट होस्ट सेल्स। और वायरस जो है वो अफेक्ट किसको करता है, अटैक करता है सिर्फ ओनली इन लिविंग सेल्स। ये इसकी एक चीज है कि ओनली लिविंग सेल्स के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये रेप्लीकेशन कर सकता है, ओके। और दूसरी चीज, लिविंग सेल्स किस में होते हैं, ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और नेक्स्ट इज, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें लाइफ होती है, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है, मतलब कोई चीज जो ग्रो हो रही है तो उसमें क्या है, लाइफ है। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म के, दे आर क्लासिफाइड अंडर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे हमने बात करी कि वायरस की, वायरस क्या है कि ये अपने प्रोटीन जो है, प्रोटीन खुद नहीं बना सकते हैं, तो प्रोटीन नहीं बना सकते मतलब कि अपना खाना नहीं बना सकते, इसीलिए दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट सेल्स, ओके। नेक्स्ट हमने बात करी सेल। अब सेल क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसका आंसर होगा सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब किससे बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ओके। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन ये और बन सकता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम टिश्यू, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, या क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सम आर बेनिफिशियल, जो हमारे लिए कई बेनिफिशियल होते हैं, बट कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सिक्स मेजर टाइप्स, ठीक है, उसके छह टाइप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छह इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। मूविंग अहेड, और टाइप्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस, और ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से। कैसे, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये किससे बने हैं, न्यूक्लिक एसिड से, दे आर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, वायरस इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच कैटेगरी, वायरस के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो वायरस किस में कैटेगरी में आता है, वायरस आता है पैरासाइटिक कैटेगरी में। और पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, पैरासाइटिक मतलब होता है विच लिव ऑन और इन द होस्ट सेल टू गेट देयर फूड, मतलब जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट सेल पे अपने खाने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि वो खुद का प्रोटीन तो बना नहीं सकते, इसलिए वो डिपेंड होते हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, डीएनए आरएनए से याद आया, डीएनए जो होते हैं उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है, ठीक है, और आरएनए क्या करता है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है टू मेक प्रोटीन्स, ओके। तो ये बात डीएनए आरएनए में थोड़ा डिफरेंस है कि याद रखना, ठीक है। डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और आरएनए ट्रांसपोर्ट्स दैट इन्फॉर्मेशन टू मेक
प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ वायरस। वायरस का एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, रेबीज, हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस एंड एटसेट्रा। नाउ लेट्स चेक आउट नो व्हाट विल बी द अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज, अब हमने वायरस के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम मेन मुद्दे पे आएंगे जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई है। व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? सबसे पहले हम, कोरोना वायरस क्या है? एक सिंगल इकलौता इंडिविजुअल वायरस नहीं है, इट्स अ फैमिली ऑफ वायरसेस। ये मतलब एक फैमिली है वायरसेस की जो एनिमल्स में भी पाई जाती है और ह्यूमन बींग्स में भी पाई जाती है। तो विदाउट डिस्कसिंग, बिफोर डिस्कसिंग फर्दर, हम डिस्कस करते हैं कोरोना का मतलब क्या होता है। हालांकि कई लोगों ने सुना होगा कि कोरोना क्या है, प्लाज्मा होता है जो सन का, उसको भी हम कोरोना बोलते हैं। और कोरोना एक तरीके का सॉफ्टवेयर भी होता है जिससे 2D मोबाइल एप्लीकेशन, 2D, 3D, 5D, 4D ये होते हैं। तो कोरोना क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो 2D मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाता है, ठीक है। और तीसरी चीज आप लोगों को पता है कि एक बेवरेज होती है, बियर जो होती है, वो भी कोरोना एक ब्रांड है, ठीक है, तो वो भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक नोवेल कोरोना वायरस यहाँ पे निकला, कहाँ पे? वुहान में, ठीक है। वुहान इज अ सिटी इन चाइना, तो जहाँ पे ये एक वायरस जो है ये निकला, नोवेल, नोवेल मतलब होता है न्यू, ठीक है। तो इस वायरस का यहाँ पे आना और इतना डेडली एक मतलब यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस होना कि इसका जो इफेक्ट है अभी अराउंड 60 कंट्रीज में इसका इफेक्ट है एंड मोर देन 2900 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ यू नो कोरोना वायरस। ओके, सो विच टाइप ऑफ वायरस इज कोरोना वायरस? और कोरोना वायरस किस टाइप का वायरस है? मैंने बताया जैसे कि वायरस दो टाइप के होते हैं, DNA वायरस एंड RNA वायरस। तो कोरोना वायरस जो है इट इज कैटेगराइज्ड अंडर RNA बेस्ड वायरस। और RNA वायरस जो होते हैं इनके एग्जाम्पल्स होते हैं डेंगू वायरस, मीजल्स, रेबीज, ठीक है, ये सब क्या है? RNA वायरस के अंदर आते हैं। और कोरोना जो है, कोरोना का मतलब भी एक, कोरोना का मतलब होता है क्राउन, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है ना, जो शेप है, वो क्राउन की तरह दिखता है ऊपर से, ठीक है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस बोला गया है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसकी मैग्निफिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। तो छोटी से मतलब बहुत ही माइन्यूट चीज़ को भी ये एनलार्ज करके दिखा देता है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे स्प्रेड थ्रू विच डिजीज? कोरोना वायरस कौन से डिजीज के थ्रू फैलते हैं? तो ये जनरली अभी जिस कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, एक तरीके से जूनोटिक डिजीज है। अब क्वेश्चन ये है कि जूनोटिक डिजीज क्या होता है? जूनोटिक डिजीज को हम जूनोसिस भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज होता है विच इज यू नो कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। तो जूनोसिस डिजीज जो है बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स के थ्रू फैलता है एंड ये स्प्रेड करता है एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, ठीक है, इसीलिए इसको जूनोटिक डिजीज बोला गया है। मतलब कि कोरोना वायरस क्या है, जो नोवेल कोरोना वायरस है या वुहान कोरोना वायरस है, या फिर अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को नया नाम दिया है, ये दिया है COVID-19, मतलब कि कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि 2019 में ये कोरोना वायरस आया है तो इसको COVID-19 भी बोला है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और इसको बेसिकली ये स्प्रेड हुआ है एनिमल्स से ह्यूमंस में, ओके। तो कई लोग इसमें ये अनुमान लगा रहे हैं कि यू नो ये बैट से फैला है, ठीक है, और जो स्नेक्स के थ्रू फैला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अभी इसमें पूरी रिसर्च चल रही है, वैक्सीन भी अभी तक यू नो इसमें प्रिपेयर नहीं हुई है, उसमें भी काफ़ी सारे रिसर्चर्स लगे हुए हैं। और क्योंकि चाइना में जो वुहान सिटी है वो नियर बाय यू नो कोस्टल एरिया है और वहाँ पे इन चीज़ों का यू नो सेवन ज़्यादा होता है, दे प्रेफर दीज काइंड ऑफ यू नो फूड मोर, ठीक है, जो सी फूड जो होता है उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे खाया जाता है एंड बैट सूप जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो दीज ऑल आर द थिंग्स यू नो विच हैव यू नो लेड टू दिस यू नो नोवेल कोरोना वायरस। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस यू नो अदर क्वेश्चंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SARS COV and MERS MERS-COV? SARS क्या है? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus है and it was you know first recognized in China in 2002. तो जो SARS वायरस है ये बेसिकली सबसे पहले रिकोगनाइज हुआ था चाइना में, ये भी चाइना में आया है ये, और ये SARS एंड MERS के हैं बेसिकली, ये भी कोरोना वायरस है एक तरीके के, ठीक है। और SARS जब आया था तब इसमें भी मोर देन 8000 पीपल इसमें अफेक्ट हुए थे, तो उसमें भी काफ़ी तगड़ा इसका एक इम्पैक्ट पड़ा था।
नेक्स्ट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये सऊदी अरेबिया में रिकग्नाइज हुआ था इन 2012। ठीक है, तो ये जो वो कोरोना वायरस है ये सारे एनिमल्स से ह्यूमंस में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस आर देयर, कोरोना वायरस कितने टाइप्स के होते हैं। तो एज पर द स्टडी पता लगा है कि देर आर 7 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस, जिसमें से 4 टाइप्स के कोरोना वायरस ऐसे हैं जो लाइक यू नो मोस्टली पीपल गेट यू नो अफेक्टेड विद दीज ह्यूमन कोरोना वायरसेस, जो स्टार्टिंग के 4 हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ह्यूमन कोरोना वायरस लिखे हुए हैं 2 to 9E, ये जो नाम दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं, जनरली इनसे अफेक्टेड हम हो जाते हैं। जैसे अगर कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, तो ये भी एक तरीके कोरोना वायरस है। ठीक है, तो ये इससे जनरल इन तरीके के जो कोरोना वायरस हैं इनमें मैक्सिमम जो ह्यूमन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। बट लेकिन कोरोना वायरसेस ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, सार्स हो गया, मर्स हो गया, और 2019 ये जो वुहान कोरोना वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस नया, ये है कुछ ऐसे कोरोना वायरस हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस में आए हैं, तो ये जो है बहुत डेडली है। ओके, और नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब सिम्टम्स जो हैं वो इसमें बता रखे हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, कॉजेज माइल्ड सिम्टम्स इंक्लूड रनिंग नोज, ठीक है, और सोर थ्रोट, कफ, फीवर। तो इसके मतलब बहुत नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं, लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज तक है। 14 डेज के बाद ही अपने तेवर दिखाने लगता है, तब तक ये सारी चीजें होंगी। लेकिन वो कैन लीड टू निमोनिया, क्योंकि अभी जब इसके और जब उसका ओरिजिन बेसिकली ये हुआ कि लोगों को निमोनिया स्टार्ट हुआ, ठीक है, निमोनिया होने लगा तो वहां से पता लगा, जब उनका उनके ऊपर टेस्ट वगैरह किए तो पता लगा कि तब उनको कोरोना वायरस है। तो सारे जितने भी कोरोना वायरस अफेक्टेड पीपल हैं सबको एक कॉमन चीज हो रही है, वो हो रही है कि निमोनिया और सोर थ्रोट, रनी नोज, कफ, फीवर। एंड जो ओल्डर पीपल हैं, पीपल विद यू नो जिनको पहले से ही कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो वो ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम में बहुत कमजोर है। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये वायरस होते हैं, डिजीज होते हैं, इनको फाइट कौन करता है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा डिजीज हमें उतनी ही कम इफेक्ट करती है, तो जिनको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको ये चीज ज्यादा इफेक्ट करती है। सो नाउ मूविंग अहेड, इसमें और चीजें डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस इसमें हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स और एंड नाउ प्रिकॉशंस, हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। सो गाइज, ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत बेसिक प्रिकॉशंस हैं, अपने हाथ जो हैं वो रेगुलरली आपको वॉश करने हैं। जैसे आप मान लो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो या बस में ट्रेवल कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज आपने टच करी है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे वहाँ पे टच किया हुआ है ऐसे, क्योंकि कोई रेलिंग्स होती हैं या कहीं पे ऐसे बैठने की जगह, तो आप फटाफट जब घर आते हैं तो रादर देन अपनी आंखों उसको साफ करना या नाक नोज पोंछना या ठीक है, तो अपने फिंगर्स को ऐसे लिक करना, तो उससे क्या है कि ये थोड़ा सा आप वल्नरेबल हो जाओगे। तो वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सोप और एनी अदर लाइक यू नो हैंड वॉश। नेक्स्ट इज अवॉइड ईटिंग हाफ कुक्ड मीट, मीट जो है आपको अच्छी तरह से कुक करना है अगर खाते भी हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये एनिमल्स टू ह्यूमन्स अभी फैल रहा है, तो इसमें जो एनिमल्स हैं वो काफी वल्नरेबल हैं, तो आपको हाफ कुक्ड मीट नहीं खाना है। और अगर आप बीमार हैं तो अंदर रहिए, और वाइल स्नीजिंग यूज हैंड कर्चीफ बिकॉज अदर लोगों को भी इफेक्ट हो सकता है, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस इसमें आपको लेने हैं। सो नाउ मूविंग अहेड, देर आर यू नो टेक कंपनीज विच आर अफेक्टिंग लाइक यू नो बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उससे काफी इफेक्ट हो रहा है। जितनी भी टेक्निकल कंपनीज हैं उनको लॉन्च करने में, प्रोडक्ट्स वहाँ से और जगह एक्सपोर्ट करने में, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस अगर हम देखते हैं तो काफी बिजनेसेस इससे भी काफी इफेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट चाइना की जो इकनॉमी है वो भी काफी इफेक्ट हो रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे ये फैला हुआ है एंड कितने लोग यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं इन सब चीजों से। नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट यू नो स्टेटस, कोरोना वायरस केसेस इतने ज्यादा यहाँ पे आप देखो इतने सारे हो चुके हैं, 85,718, और टोटल डेथ्स इतनी हो चुकी हैं, टोटल रिकवर्ड जो है लकीली इतने हुए हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप यू नो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड काफी चीजें सीखने को भी मिली होंगी। सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड एंड अप माई वीडियो बाय सेइंग थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। मतलब कि थिंग्स ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं, थिंग्स हम लोग जो हैं वो खुद बनाते हैं। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव उसमें लें तो आप कोई भी चीज जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो बैठे बैठे नहीं होगी, राइट, वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं होगी, तो आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
I wish you all the very best for the exams. Thank you.